हिंदू संस्कृति में पूरी आस्था और श्रद्धा भाव के साथ गरबा खेलते हुए देवी की आराधना की जाती है, पर बीते कुछ वर्षों से गरबा पर पाश्चात्य संस्कृति का रंग चढ़ा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है और जमकर अश्लीलता भी परोसी जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला सागर के निजी होटल में देखने को मिला, जहाँ नवरात्र पर्व पर आयोजित होने वाले गरबा उत्सव की प्रैक्टिस अश्लील गानों पर की जा रही थी। शिवसेना ने संगठन ने इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही एडिशनल एसपी को गरबा संचालक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं एडिशनल एसपी ने भी उचित कार्रवाई करने की बात कही। प्रदर्शन नौ दुर्गा की आड़ में जो पाश्चात्य संस्कृति परोसी जा रही है, कल सागर शहर के एक नामचीन होटल में गरबा के दौरान अश्लील गानों पर गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस पर शिवसेना संगठन को कड़ी आपत्ति है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को शिवसैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त करते हुए आवेदन दिया है कि जो सागर शहर और मकरोनिया परिक्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में गरबे का कार्यक्रम नौ दुर्गा के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, वहाँ सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य हो, क्योंकि आधार कार्ड अनिवार्य ना होने से अन्य वर्गों के लोग वहाँ गरबा में प्रवेश करते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं का जन्म होता है। सागर जिले में स्थित एक होटल में जो गरबे की प्रैक्टिस चल रही है, उसमें कुछ आपत्तिजनक गानों पर डांस करने को लेकर मंत्री द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन की जांच जो है की जाएगी और जांच उपरांत उसमें जो है अपनी दृष्टिमत कार्रवाई की जाएगी। साथ उनके सुझाव हैं कि इसमें गरबा में हर व्यक्ति को आधार कार्ड के साथ ही प्रवेश दिया जाए, एक अच्छा सुझाव है, क्योंकि इसके अपराधों की रोकथाम लगेगी। अगर आधार कार्ड के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा तो अगर कोई घटना होती है तो उसमें आइडेंटिफाई आसानी से किया जा सकेगा। बड़ा अच्छा सुझाव उनके द्वारा दिया गया है, इस पर विचार में लिया जाकर इस पर कार्रवाई की जाएगी।